फाइनली स्टूडेंट, इग्नू की ओर से आपके रिजल्ट की एक बड़ी अपडेट जारी हो चुकी है। आज इग्नू ने आपके दिसंबर 2022 टर्मड एग्जाम, जून 2022 टर्मड एग्जाम और आपके रीएवोल्यूशन की रिजल्ट की बड़ी अपडेट जारी की है। वेल, आज की इस वीडियो में इसी और बात करेंगे और आपको बताएंगे किन किन स्टूडेंट का रिजल्ट आया है और इस बार काफ़ी स्टूडेंट को इग्नू की ओर से फेल किया गया है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करूँगा और साथ ही बताऊँगा कि अगर आप इग्नू के एग्जाम में फेल हो गए हैं तो आपको क्या करना होगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल पर पहली बार आई हो, मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि इग्नू से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे कभी भी मिस ना हो। आई स्टूडेंट, बात करते हैं इग्नू द्वारा जारी की गई आपके रिजल्ट की बड़ी अपडेट के बारे में। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इग्नू के द्वारा आपके टर्मड एग्ज़ाम जो कि जून 2022 के टर्मड एग्ज़ाम है और आपके दिसंबर 2022 के टर्मड एग्ज़ाम, इन दोनों की अपडेट जारी की गई हैं इग्नू की ओर से। तो पहले हम बात करते हैं जून 2022 टर्मड एग्ज़ाम की। तो इसकी रिजल्ट का स्टेटस आप देख पा रहे हैं 16 मार्च 2023 यानी कि आज की अपडेट इग्नू की ओर से जारी हुई है। तो जिन भी स्टूडेंट के जून 2022 टर्मड एग्ज़ाम के रिजल्ट पेंडिंग थे वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। सिंपल प्रोसीजर है, एनरोलमेंट नंबर डाल के आपको सबमिट करना है और आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। इसके बाद में आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आपके दिसंबर 2022 टर्मड एग्ज़ाम को लेकर है। इग्नू ने आपके दिसंबर 2022 टर्मड एग्ज़ाम के जो रिजल्ट हैं उसकी भी अपडेट जारी कर दी है। स्टेटस आप देख पा रहे हैं 16 मार्च 2023 का इग्नू की ओर से जारी किया गया है, इसी भी आप चेक कर पाएंगे। आपको सिंपल प्रोसीजर है, एनरोलमेंट नंबर एंड सबमिट और आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको जो पहले बात बता रहा था कि काफ़ी स्टूडेंट को फेल किया गया है, आप यहाँ पे देखिए कितने कम नंबर्स दिए गए हैं। अब कई बार मेरे पास में ये सवाल आ रहे हैं काफ़ी स्टूडेंट की, सर नंबर बहुत कम मिल रहे हैं, हम बहुत अच्छा पेपर लिख के आए थे। देखिए, इस पर मैं ऑलरेडी डिस्कस किया था, आपको बताया था कि रीज़न क्या है और क्या सॉल्यूशन है कि नंबर कम क्यों आते हैं। एक मोटे तौर पर यह भी रीज़न आता है कि आपके जो एवोल्यूशन के टाइम पर चेकिंग होती है ना, इम्प्रॉपर चेकिंग देखने को मिलती है। और दूसरा एक जो आपकी ओर से इशू होता है वो ये है, काफ़ी स्टूडेंट एग्जामिनेशन टाइम में तैयारी करते हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस वजह से भी उनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती। तो एक कारण ये भी है कि नंबर कम आते हैं। बाकी अगर आप अच्छे से तैयारी करके जा रहे हो और आपका पेपर अच्छा जाता है तो वहाँ पर रीज़न यही बनता है कि भाई चेकिंग प्रॉपर नहीं हुई है। तो आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशन ये है कि आप रीएवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रीएवोल्यूशन की फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा हाइक है और इस पर आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बोला था कि इग्नू को ईमेल करिए, जितने ज़्यादा आप ये बात रखेंगे तो हो सकता है इन फ्यूचर ये चीज़ें या ये चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। देखिए, जो मैंने बात कही थी कि भाई अगर आपकी जो रीएवोल्यूशन आप करा रहे हो और आपके नंबर बढ़ते हैं तो उस केस में इग्नू को आपकी फ़ीस रिटर्न करनी चाहिए, ये इसके रिगार्डिंग आपको मेल करना है। सभी स्टूडेंट इस पर अपना रिस्पॉन्स सेंड करिए इग्नू को, MHRD को करिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को करिए ताकि इस पर कदम उठाए जा सके, क्योंकि ये ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे गलती स्टूडेंट की नहीं है, यहाँ पे जो चेकिंग है वो प्रॉपर नहीं है, तो इसका खामियाजा उन्हीं जो एजेंसीज़ हैं जो चेकिंग कर रही हैं या फिर जो आपके रीजनल इवेल्यूशन सेंटर बनाए गए हैं उनकी जिम्मेदारी हो, ना कि स्टूडेंट की जेब से एक्स्ट्रा अमाउंट खींचा जाए। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये सीट पे आगे जाके प्रावधान हो और आपके लिए ये सर्विसेज भी ऑन की जाए और जो आपकी अमाउंट है जो आपसे लिया जाता है रिवोल्यूशन के टाइम पे, अगर आपकी सही माना जाता है कि आपके नंबर बढ़ते हैं तो आपको रिटर्न भी हो। बाकी जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर कम आए हैं, जिनको लगता है कि हमारे नंबर बढ़ सकते हैं, रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करें। अगर आपको लगता है या पता है कि भाई इतने ही नंबर आने थे तो आप लोग जो नेक्स्ट टर्मड एग्ज़ाम है जून 2023 के टर्मड एग्ज़ाम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका एग्जामिनेशन फॉर्म ऑलरेडी ओपन है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात करूं कि आपको और चेक करना है या जानना है जून 2023 टर्मड एग्ज़ाम के बारे में तो कंप्लीट डिटेल आपको यहां पे मिल जाएंगी, आप लोग चेक कर सकते हैं असाइनमेंट और टर्मड एग्ज़ाम के बारे में। बाकी इस वीडियो हमने बात की आपके रिजल्ट की अपडेट के बारे में, होप कि आपको समझ आया होगा। बाकी आपको जानना है कि मिनिमम मार्क्स कितने हैं प्रोग्राम वाइज कोर्स वाइज, तो वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूँगा, उसे आप देख सकते हैं जिसके आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी कितने नंबर आपको रिक्वायर्ड होते हैं इग्नू के एग्जाम में पास होने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।